चीन के साथ बार बार विवाद क्यों होता है? एलएसी पर इतना तनाव क्यों है? आपके जहन में भी ये सवाल उठते होंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए थोड़ा सा सरहद को समझना होगा। ब्रिटिश शासन काल में ही अंग्रेजों ने भारत और चीन के बीच सरहद का निर्धारण कर दिया था, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अक्साई चिन भारत का हिस्सा था। हालांकि चालबाज चीन अब मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। 1962 के युद्ध के बाद चीनी सेना जहां मौजूद थी उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी मान लिया गया। 1962 की जंग में ही चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया और तभी से हमारे देश का यह हिस्सा चीन की साजिशों से कराहता रहा है। लेकिन पेंगोंग में शिकस्त मिलने के बाद चीन को अक्साई चिन में भी फिर से तिरंगा लहराने का खौफ सताने लगा है। यह रिपोर्ट देखिए। अक्साई चिन हिंदुस्तान के मस्तक का ताज, लद्दाख का वो हिस्सा जिस पर चीन के हजार पापों की कराहें मौजूद हैं। करीब 60 साल से लद्दाख में चीन की जो भी कारगुजारियां होती रही हैं, उसका सिरा अक्साई चिन की बुलंद चोटियों, गहरी घाटियों और कुनलुन पर्वतों की तलहटी में फैले विशाल पठार तक जाता है। हमारे देश की इस जमीन के इस हिस्से पर चीन ने कैसे साजिश के तहत कब्जा किया था, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि अक्साई चिन है कहां पर। अक्साई चिन लद्दाख की गलवान वैली वाला इलाका है। इसी इलाके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी गुजरती है। गलवान घाटी से चीन के शिंजियांग प्रांत तक फैला अक्साई चिन सदियों तक मध्य एशिया और भारत के बीच कल्चर, कारोबार और भाषा को जोड़ने का माध्यम रहा है। ये इलाका निर्जन है, यहाँ स्थायी बस्तियां नहीं है, लेकिन इस जगह की अहमियत बहुत है, रणनीतिक और सामरिक दोनों तरह से। भारत और चीन के बीच सरहद पर विवाद की जड़ में अक्साई चिन भी शामिल है। ये हमारे देश का हिस्सा है, जबकि चीन इसे अपना हिस्सा बताता आया है। साल 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर विलियम जॉनसन ने जो नक्शा बनाया था, उस नक्शे में अक्साई चिन को कश्मीर के साथ दिखाया गया था। इस सीमा रेखा को जॉनसन लाइन 1865 के नाम से जाना जाता है। यानी अक्साई चिन हमेशा से हमारा हिस्सा रहा है। अब सवाल यह है कि चीन किस हक से इस पर दावा करता है, इसे ऐसे समझना होगा। '99 के बाद अंग्रेजों और चीन के बीच रिश्ते काफी हद तक सुधर गए, जिसके बाद एक बार फिर इलाके में बॉर्डर नापने का फैसला लिया गया, जिसका जिम्मा जॉर्ज मकार्टने और क्लॉड मैक्सवेल को दिया गया। दोनों ने अक्साई चिन का ज्यादातर हिस्सा चीन में डाल दिया। इस लाइन को कोंका लापास यानी मकार्टनी मैक्लॉयड 1899 के नाम से जाना गया। चीन इसी लाइन के आधार पर अक्साई चिन पर अपना हक जताने लगा। और था जब देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों की लद्दाख में बेहद ही कम दिलचस्पी थी। लद्दाख में डोगरा राजाओं की हुकूमत थी, उनका शासन था। ये इलाका बेहद ही दुर्गम था और इस वजह से अंग्रेज यहाँ पर आने से कतराते थे और इसी का फायदा उठा करके चीन अपने पांव पसारता रहा। चीन के हालात तब बेहाल थे। 3 दशक तक चीन गृह युद्ध की आग में सुलग रहा था। चीन के बारे में दुनिया कम ही जानती थी। गरीबी, बेकारी और भुखमरी की वजह से चीनी दुनिया के सामने मुंह दिखाने से शर्माते थे, इसलिए अंग्रेजों ने जो कहा चीन वही मानता रहा। लेकिन 20वीं सदी के 5 दशक के बाद चीन के भूमाफिया बनने की शुरुआत हो चुकी थी। सवाल यह है कि पूरे अक्साई चिन पर चीन ने कब्जा कैसे कर लिया और क्यों हमारे देश को चीन की साजिश के बारे में कई साल तक पता ही नहीं चल पाया।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।